प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। देखिए, अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, यानी कि बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षाएं हैं, वो काफ़ी नज़दीक आ रही है और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट भी आते हैं, बात भी करते हैं, पूछते हैं कि सर हमारे 10th क्लास में हम कैसे पास हों, ख़ास तौर से गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर कैसे पास हों। तो इसके लिए मैं आज से गणित के अंदर 10वीं क्लास की गणित के मैं उन पार्ट्स को लेकर के आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ताकि आप 10वीं क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं 10वीं क्लास के पूरे कोर्स में से आपको सेलेक्टिव पार्ट और सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिनको बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स भी आराम से कर सके और 10वीं बोर्ड के अंदर आराम से पास हो सके, यानी अच्छे नंबर ला सकें और उसका गणित का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिस दिन वह एग्ज़ाम देने जाए गणित का, उस दिन उसको लगेगा, चाहे वो कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हो, ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी है और आज मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाऊँगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चंस 10वीं बोर्ड गणित। ये जो 2022-23 की जो मार्च महीने में गणित की परीक्षा होगी आपके बोर्ड की, मैं उसके लिए खास तौर से कंटेंट लेकर के आया हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के मेन पार्ट। मैंने हेडिंग भी डाला है कि 10वीं क्लास के अंदर कैसे पास हुआ जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का डर है कि मैं पास भी नहीं हो पाते, तो उनको टेंशन रहता है। तो वही चीज़ मैं आज लेकर के आया हूँ। तो मैं बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है कि मैं किस पार्ट से क्या ले रहा हूँ, आपको तो क्वेश्चन देखते पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एक, सीधी सीधी बात है कि प्रश्न आता है कि वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 3 व 4 हो। अब यहां ध्यान देना, मैंने यहां शून्यक दे दिया 3 और 4, यानी सीधी सीधी बात हो गई कि आपको जो बहुपद लिखना है, कुछ भी नहीं करना डाइट में, इसको जो आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो बहुपद का सूत्र होता है द्विघात, है ना। यहाँ पर मैं के नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट द्विघात बहुपद की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आपके पास में यहाँ अल्फा और बीटा उसके दो ही जीरोज है, शून्यक है ना। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो आपके अल्फा तो रख दिया ये और बीटा रख दिया ये, और ये 3 × 4, तो आपके ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 7x + 12। ये आपका एक नंबर पक्का, ये एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं इसी चीज़ को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ मैं इसके अंदर, कि वह बहुपद लिखिए, वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों, यानी जीरोज, शून्यकों का योग 3 × 4 हो। संख्याएं मैंने वही रखी है, लेकिन मैं यहाँ लैंग्वेज बदल दी है मैंने, योग 3 और गुणनफल 4, शून्यकों का योग। आपको मालूम है, यानी यहाँ इसने जो दिया है वो अल्फा प्लस बीटा तो दे दिया 3 और अल्फा बीटा गुणनफल दे दिया 4, तो फिर वही तरीका आपके पास हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट दे दिया इसने, तो ये 3, इसकी जगह आप 3 लिख दें, बाहर x है जो है इसे, और प्लस गुणनफल 4, ये आपके बहुपद आ गया। दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देख लेना, ऊपर तो अलग अलग अल्फा और बीटा दे रखे हैं
और यहाँ शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दिया, पहले जोड़ दे दिया है, मतलब योगफल और गुणनफल। तो आपको डायरेक्ट ही इसकी जगह 3 पुट करने हैं और डायरेक्ट इसकी जगह 4 पुट करने हैं। दोनों की लैंग्वेज को आप ठीक से समझ लेना। तो ये 2 प्रश्न जो है मैंने शून्यक से संबंधित लिए हैं। फिर शून्यक से संबंधित तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद 4x² प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक अल्फा व बीटा हो। क्वेश्चन घुमाता और कुछ भी नहीं करता है, वही उसी के आसपास घूम रहा हुआ हो। तो अल्फा प्लस बीटा व अल्फा बीटा का मान लिखिए, चेंज कर दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। अब हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और उनका गुणनफल होता है c अपॉन ए, ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके शून्य किसने पहले के दिया है अल्फा और बीटा, तो गुणन योगफल तो हो जाएगा माइनस तो फॉर्मूले का और बी यानी कि 3 और अपॉन ए यानी कि 4 और अल्फा बीटा गुणनफल वो होता है सी अपॉन ए, तो सी है माइनस 1, ये देखिए माइनस 1 है ना, और ये नीचे 4। तो ये आपके इसके अंदर आपके आंसर है, ये भी 1 नंबर का यानी कि बहुपद लिखने से संबंधित क्वेश्चन आपके इस तरीके का ही बनेगा। फिर इसके अंदर एक तो ये बात हो गई, अब यहाँ पर वो क्या करता है, एक चीज ये पूछता है, इसी में चेंज करता है क्वेश्चन को, ध्यान देना चेंज क्या करता है वह, के शून्यक चलो अल्फा बीटा हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान लिखिए। अब यह देखने में देखो कितना भारी लग रहा काम, 10वीं क्लास के लेवल पे हमें लगता है कि बहुत भारी है, पर है कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा अगर इसको आप लघुतम लें तो नीचे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर ऊपर आएगा ये बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ऊपर तो आ गया शून्यकों का योगफल है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस एंड नीचे उनका गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा अपन ने अभी लिखा माइनस का 3/4 और अल्फा बीटा अपन ने लिखा माइनस का 1/4, तो ये अल्फा प्लस बीटा तो हो गया आपके -3/4 और अल्फा बीटा हो गया -1/4, तो ये माइनस माइनस तो प्लस, 4 से 4 कटे 3/1 यानी कि ये 3 आंसर। कोई बड़ा काम नहीं है, वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा है तो हमने इसको खाली सेट कर दिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है। फिर अपन इसके अंदर चेंज करते हैं पैटर्न क्वेश्चन का। ये तो हुआ आपने इसका बहुपद वाला शून्यक वाला मामला, फिर आता है दूसरा पैटर्न। अब मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक, पहले एक क्वेश्चन आपका इसका ये प्रिपेयर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो मैंने 3 लिया था, ये चौथा क्वेश्चन कि यदि एलसीएम ऑफ 150 20 बराबर इसका जो एलसीएम दे रखा है, अपन कुछ भी लिख लेते हैं, चलो
यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 से कट रहा है ना, नहीं कट रहा, तो इसका एलसीएम एक काम करो नहीं, यहाँ 30 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 150 यदि एलसीएम ऑफ 150-30 का जो है एलसीएम है वो आपके अगर दे रखा है कितना 150 हो, तो एच सी एफ ऑफ 150-30 ज्ञात करो। यदि हमारे पास में डायरेक्ट एक सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा कि ए इंटू बी बराबर उनका एलसीएम इंटू उनका एच सी एफ, तो ये आपके ए इंटू बी तो हो गया 150 इंटू 30, और एलसीएम जो है कह रहा है आपके पास में कितना 150, और एच सी एफ अपने को ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी होती है एच सी एफ, उसके साथ वाली संख्या इसके बटे में भेज दो, 30 और ये 150 इसके बटे में आ जाएंगे, तो ये आपके कितना 30 इसका जो है एच सी एफ आ जाएगा। ये एलसीएम और एच सी एम से संबंधित क्वेश्चन है जिनको आपको ठीक से समझ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये तो इसका हो गया, अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे इजी होता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर 3/10 हो तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या है। सीधी सीधी बात है, घटना घटने की प्रायिकता यहाँ दे रखी है पी ई बराबर आपके पास 3/10, और इसने पूछा है पी ई बार, तो घटने की सीधी सीधी बात है, आपको अगर पता चले तो ठीक, तरीका अगर आए तो ठीक, पी ई बार इक्वल टू हो जाएगा 1-3/10। अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि एक में से कैसे घटाया जाए, इसको हल करने का तरीका कितना है, क्या है, 10 में से 3 है तो कितने नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, तो सीधी सीधी इसको हल करें, डायरेक्ट आप 7/10 लिख दें, ये घटना नहीं घटने की प्रायिकता आ जाएगी। 10 में से 3 नंबर आए तो कितने नहीं आए, हम ऐसे लिखते ना, तो ये जो नहीं आए वो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो सीधी सीधी बात है, इस क्वेश्चन में आपको एक तो ये घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता, इससे जुड़े क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन 5वें में किसी ए मतलब किसी ए पर्सन के मैच जीतने की प्रायिकता है ना, पी जीतने की प्रायिकता अगर मान लो 10/17 है, ठीक है, तो उस ए के एक मतलब ए और बी दो जने हैं वो मैच खेलते हैं, तो ए के जीतने की प्रायिकता 10/17 है, तो उस कंडीशन में बी के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 17 में से 10 तो ये ए जीत रहा है, तो बी कितनी जीतेगा, 7 जीतेगा, सीधी सीधी बात, 17 में से 10 ये जीत गया तो बची हुई जो बचा है वो आपके बी वाला जीत जाएगा, ये मैच वाला प्रश्न बनता है, इसी सेम ये पैटर्न है, कुछ नहीं किया, ये 10 में से 3 है तो कितने नहीं है, 7 नहीं है, तो 7/10 आंसर हो जाएगा। ये ए अगर 17 में से 10 मैच जीता है तो ये बी जो है 17 में से 7 ही जीतेगा, एक प्रश्न ये बन गया। फिर इसके अंदर आता है एक पार्ट और, प्रायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, बस वो सारे पार्ट में इसी के अंदर आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं इसके अंदर बता रहा हूँ इनको आप ठीक से देख लें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा, ठीक है।
कोई घटना घटेगी तो उसके निश्चित रूप से अगर घटने हैं तो उस कंडीशन में उसके लिए पी हो जाएगा एक। अगर पी घटना बिल्कुल नहीं घटेगी, ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब घटना नहीं घटे बिल्कुल ही, ठीक है, तो उस कंडीशन में पी ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। सबसे खास बात ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। और किसी भी अभिप्रयोग से संबंधित सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा आपको ध्यान रखना है एक होता है, सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। ये आपके प्रायिकता का एक नंबर आपका पक्का हो गया, कोई इसमें अलग कुछ है ही नहीं है। एक क्वेश्चन इसी का और आता है प्रायिकता का, वो ये आता है कि किसी थैले में पांच रेड लाल बोल है ना, और सात काली बोल है, ठीक है, तो एक बोल याद्र छया निकालने पर उसके काली होने की प्रायिकता क्या होगी। सीधी सीधी बात, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। काली का मतलब प्रायिकता ऑफ ब्लैक, काली, तो काली हमारे पास काली कितने, सात बोल है, तो ये अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम सात और पांच बारह, ये आंसर। अगर वो पूछे कि पी रेड है ना, रेड पूछे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यानी कि पांच बटा कुल परिणाम बारह। बस ये इस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कितनी बार इसी क्वेश्चन को, थोड़ा एक और तरीका है, सीधा सीधा पूछ लेता वो, यदि पी ई बार बराबर पांच बटा उनतीस हो तो पी ई है ना, बार पूछ लिया है तो पी ई कितना होगा, तो वही वाली बात, पी ई बार का मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता है ना, तो नहीं घटने की अगर पांच बटा उनतीस है तो घटने की क्या हो जाएगी, मतलब उनतीस में से पांच घट जाएंगे, तो अब बचे कितने, तो उनतीस में से पांच चले गए तो चौबीस बचे, चौबीस बटा उनतीस जो है वो घटने की प्रायिकता आ जाएगी। ये आपके प्रायिकता का एक, क्योंकि जो आपके ब्लूप्रिंट के अंदर दे रखा है दसवीं के अंदर, उसमें एक नंबर का प्रश्न भी है, दो नंबर का भी है और तीन नंबर का भी है उसमें, तो आपको ये एक नंबर और दो नंबर वाला यानी तीन नंबर का काम आपके ये प्रायिकता का इसके अंदर हो गया है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं, आपको डेली जो वीडियो मिलेंगे उन डेली के वीडियो को मैं लगभग 10 वीडियो के अंदर आपको ये पास होने जितना मीटर कर दूंगा, 20 से 25 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसको आप ठीक से देख लें, समझ लें और क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देख लें, ठीक है। अब मैं अगला पैटर्न चेंज कर रहा हूं, चैप्टर नया, और वो है आपके कि जैसे 6 वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, हाँ इससे भी रहने दो, चलो ठीक है, रूट 31 3x प्लस रूट 4y बराबर 0 और दूसरा है रूट 4
एक्स माइनस रूट तीन वाई बराबर जीरो समीकरण युग्म को हल कीजिए। दिखने में बहुत भारी भरकम लगता है, मैं आपको बता दूं एक नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको उत्तर लिखने हैं, डायरेक्ट ही, ठीक है ना। उत्तर क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं एक्स बराबर जीरो कोमा वाई बराबर जीरो, ठीक है। ये आपके इसके अंदर उत्तर हो गया, ये आपका एक नंबर अपनी जेब में रखिए, कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। अब आप कहेंगे कि पता कैसे चलेगा, अरे भाई एक्स वाई और यहाँ पर कोई भी संख्या डाल दे, वो इधर अगर जीरो है, इधर जीरो मतलब तीसरा पद, क्योंकि एक इसका जो मानक रूप तो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इस जीरो को मत देख लेना, सी का मान जीरो, अगर आपके इसमें सी जीरो है, ठीक है ना, उस सवाल के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस रूप में अगर है तो इसका मतलब ये कि आपको x और y के मान जीरो ही आएंगे। जैसे मैं लिखूं कि 2x प्लस 3y बराबर जीरो और 5x प्लस 6y बराबर जीरो, इसका हल लिखिए, सेम इसके जैसा ही, तो आप इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे x बराबर जीरो कोमा वाई बराबर जीरो। ये नंबर एक नंबर का प्रश्न बनेगा, इसको आपको खोना नहीं है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, आप कोई से भी कर दो भले इसके अंदर, ठीक है। आप इसमें वो क्या करता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या डालता है, और वो क्या करता है, रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई बराबर जीरो और रूट सी एक्स प्लस रूट डी वाई बराबर जीरो को हल कीजिए। अब दिखने में कितना रूट ए या तो संख्या भी नहीं दिख रही, रूट ए रूट बी रूट सी रूट डी, ठीक है, इसका हल लिखिए। अरे भाई सब में एक ही पैटर्न है, आप देख लो कि सी तीसरा वाला पद इन सब में ही नहीं है, खाली एक्स वाई वाला पद इस है। मतलब आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी क्या लिखना है, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी जीरो। आ गया समझ में, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं डाल देता है, वो क्या करता है, यहाँ रूट 31x माइनस रूट 48y बराबर जीरो और दूसरा जो समीकरण है वो इसके अंदर सेम, यहाँ वो कोई भी संख्या डाल दो ना, वो क्या करते हैं, यहाँ रूट 35x प्लस रूट 99y बराबर जीरो। अब देखो कितना बड़ा भारी भारी लग रहा है, लेकिन सीधी सीधी बात है कि इसके अंदर c जीरो है, खाली एक्स वाई में है रेखिक समीकरण युग्म, और इसलिए इसका उत्तर भी आपके क्या होगा, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। मेरे अभी इसमें अभी तक में मैंने ये छह क्वेश्चन बनाए, छह क्वेश्चन का पैटर्न यू का यू क्वेश्चन मिलेगा, मतलब यू समझिए कि ये छह नंबर आपके इस वीडियो के माध्यम से ये जेब में है, कहीं जाने वाले नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अच्छा एक चीज और इसके अंदर बता दूं मैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, सातवां क्वेश्चन, ताकि ये सात नंबर पूरे हो जाए, वो क्या है, ए बी बराबर 5 सेमी का रेखाखंड खींच कर इसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करो या बांटो। ये एक प्रश्न सातवां हो गया, ठीक है। तो ये सातवां प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने, क्योंकि ये सीधे सीधे जो प्रश्न सीधे सीधे आते हैं और सीधे सीधे डायरेक्ट अपनी जेब में जाते हैं इनके नंबर, वो क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना इसके अंदर, सीधे सीधे आपको एक स्केल लेकर के रेखाखंड ए बी खींच लेना है, ठीक है, और उसके बाद स्केल, देखो सारा काम स्केल से करना है, बहुत सारे स्केल यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप इधर अपनी इच्छा से किसी भी कोण पर एक किरण यहाँ पर ये बना दे, कुछ भी नहीं करना है, खाली ये बना दिया, ठीक है, कोई भी नाम दे दे इसको एक्स, ये थोड़ी लंबी बनाए।
अब इसके अंदर तीन और दो दोनों को जोड़ लो, तीन प्लस दो बराबर कितना हुआ पाँच, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, यहाँ एक काम करो, इसको थोड़ा छः कर दो, क्योंकि दोनों का सेम पार्ट हो गया तो सेम ही हो जाएगा। ए भी छः सेमी कर दिया, ठीक है ना, ये आपके छः सेमी हो जाएगा पूरा। अब इसमें तीन और दो पाँच कर लिए, तो कुल पाँच हो रहे थे। यहाँ से आप प्रकार से एक एक सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं एक एक सेंटीमीटर है, आपको प्रकार को फिक्स खोल लेना है, थोड़ा बड़ा खोल लो ज़्यादा, ताकि चाप काटने में इजी रहे। तो एक चाप या काटा एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, यानी एक दो तीन चार पाँच टुकड़े हो गए। अब आप स्केल से सीधा इस लास्ट वाले को मिला दो, ये मिला दिया, उसके बाद में तीन अनुपात दो है, तो एक दो और तीन बस इसके समांतर स्केल से इसको मिला दो, कुछ भी नहीं करना, ये इसके समांतर होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल एक जैसे यूनिक टेढ़ा मेढ़ा दिख जाए। कैसे, अगर आपने इसको ऐसे खींच दिया है, जैसे ये मिलाया इसको, ठीक है, ये वाली लाइन ये वाली है, और इसको अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये जो है आपके इसके अंदर ये बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, इसके अंदर ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपके ये जो सात नंबर का पैटर्न, सात नंबर का काम दसवीं बोर्ड के अंदर, आप अगर ये वीडियो ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसको मैंने बिल्कुल ही इजी रूप में बनाया है, तो ये सात नंबर यूं के यूं अपनी जेब में है, कहीं जाने वाले नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके के वीडियो आगे और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जरूर देखें, लाइक भी करें। आपको कंटिन्यू इसके दसवीं क्लास की गणित के लिए वीडियो मिलेंगे, दस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे मैथ्स में आपको पास करा दूंगा, आप मेहनत करें बस। थैंक्स।